हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नंदिनी और अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज हमने शेयर करना है बैकनेक डिज़ाइन। तो यहां पे मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को कट करके रखा हुआ है और ये 38 साइज अकॉर्डिंग ये यहाँ पे मैंने इस मेजरमेंट से मैंने कटिंग किया हुआ है। तो इस तरह से हमने लाइनिंग फैब्रिक पे मार्किंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम मार्किंग करते हैं। तो आपने जितना भी बैक पार्ट पे रखना है कपड़े को, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 1/2 इंच सीम अलाउंस का लेना है और यहाँ से हमने 3 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। यहाँ पे हमने 3 इंच ही रखना है बैक पार्ट पे, तो इस तरह से हमने मार्किंग कर देनी है। और फिर यहाँ पे हमने 3+ 1/2 इंच पे एक मार्किंग करनी है। ये हमारी नेक की विड्थ रहेगी। यहाँ से हमने 1.25 इंच पे मार्किंग करनी है और फिर हमने इस लाइन को कुछ इस तरह से हमने मिला देनी है। अब यहाँ से हमने 1 इंच पे एक मार्क कर लेनी है और इसमें गोलाई मार्क कर देनी है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। और इस फैब्रिक से हमने मिक्स मैच करके और डिजाइन तैयार करनी है। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं। अब हमने इस मार्क को फिर से एक बार चौक से डार्क कर लेनी है और फिर हमने कुछ इस तरह से कपड़े पे प्रेस करना है, हाथ से प्रेस करना है, जिससे ये मार्किंग दूसरे पल्ले पे भी आ जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये मार्किंग दूसरे पल्ले पे भी आ गई है। और फिर हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये मार्किंग हो चुकी है। अब हमने स्टिच करनी है। तो पहले जो ये मेन फैब्रिक है राइट साइड की तरफ रखनी है, उसके ऊपर हमने लाइनिंग का फैब्रिक रखना है। फिर हमने एक सेंटर मार्किंग कर लेनी है और सेंटर से हमने एक रफ स्टिच करनी है और फिर जितना हमने मार्किंग किया है उस पे हमने सिलाई कर देनी है। तो चलिए फिर हम सिलाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं हमने नेक का स्टिच कंप्लीट कर लिया हुआ है और फिर हमने इसमें कटिंग करनी है। तो कटिंग हमने 1/2 इंच छोड़ करके और यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है कटिंग। तो फिर चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए हमको कटिंग करनी है और पूरे गोलाई में हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने कटिंग कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हमने इसमें छोटे छोटे नोचेस लगा लेनी है। ये नोचेस लगाने से हमारी जो फैब्रिक है बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाती है। तो इस तरह से हमने नोचेस कंप्लीट कर लेनी है और फिर इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है और फोल्ड करके फिर एक स्टिच हमने इस फैब्रिक पे कर देना है। यहाँ से हमने स्टिच कम करनी है। तो चलिए फिर हम स्टिच कर लेते हैं। और इस तरह से स्टिच करने से हमारी फैब्रिक बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्टिच कंप्लीट कर लिया हुआ है और कुछ इस तरह से मैंने स्टिच किया हुआ है। फिर हमने ऐसे फोल्ड कर देना है। आर्म होल की साइड से हमने स्टिच करनी है और कपड़े को लाइनिंग जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक पे सिक्योर कर लेनी है अच्छे से। और इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है पूरे में। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हम कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये नेक तैयार हो चुका है
और फिर इस पे एक स्टिच कर लेनी है जिससे ये अच्छे से फिक्स हो जाए। ये हमारी फिनिशिंग की स्टिच है और इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। फिर इस फैब्रिक से हमने इस पे डिज़ाइन तैयार करनी है। तो ये लगभग 2 इंच का मैंने फैब्रिक कटिंग कर लिया हुआ है और ये इसका लेंथ मैंने लगभग 3 मीटर के हिसाब से मैंने इसका लेंथ रखा हुआ है। और इस तरह से हमने इस कपड़े को ज्वाइन कर लेना है और फिर यहाँ से हमने डबल फोल्ड करके फिर एक स्टिच कर देनी है इस पे। तो इस तरह से हमने स्टिच करनी है और पूरे में ही स्टिच कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। फिर हमने सुई धागे की मदद से इस जो पट्टी को हमने तैयार किया है इसको फिर हमने फोल्ड कर लेना है राइट साइड की तरफ। तो ये देख सकते हैं हमने ये फोल्ड कर लिया है। फिर ये जो बीच का ये सिलाई वाला पार्ट है इसको बीच में करना है और हाथ से प्रेस करते जाना है जिससे ये हमारी, आप प्रेस भी लगा सकते हैं इस पे। और इस तरह से हमने प्रेस लगाते जाना है और ये जो सिलाई है ये हमारी बीच में आनी चाहिए। तो इस तरह से हमने कर लेनी है। तो ये हमने यहाँ पे पट्टी को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से हमने अटैच करनी है। तो पहले हम फ्रिल बनाएंगे और फ्रिल बनाते जाएंगे फिर हमने अटैच करते जाना है। तो चलिए फिर हम कंप्लीट कर लेते हैं सिलाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ्रिल बना करके गले में फिक्स कर दिया है और यहाँ से हमने ये गोटा पट्टी अटैच करनी है। तो ये हमने लेस अटैच करनी है गोल्डन कलर का। तो इस तरह से हमने अटैच कर लेनी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना सुंदर इसका लुक आ रहा है। अब हमने यहाँ पे ये फैब्रिक फ्लावर्स बनानी है। तो जो हमने पट्टी जैसे तैयार की थी वैसे ही मैंने यहाँ पे भी पट्टी तैयार कर ली है और फिर इसमें सुई धागे की मदद से हमने इस तरह से स्टिच करते जाना है और फिर पूरे में ही स्टिच कर लेनी है जितना भी हमने इसका 1 मीटर के हिसाब से मैंने ये फैब्रिक का लेंथ रखा हुआ है। और इस तरह से हमने इसमें स्टिच करनी है सुई से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैसे स्टिच हो रहा है और फिर स्टिच करके हमने धागे को ऐसे खींचना है और खींच करके फिर कुछ इस तरह से शेप बन के आएगा और इसी शेप पे हमने ऐसे मोड़ते जाना है फैब्रिक को। और जब आप मोड़ देंगे पूरा ही कपड़े को तो कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा, ये फ्लावर जैसे दिखने लगेगा। और फिर इसको अच्छे से सिक्योर कर लेनी है, फैब्रिक को बहुत अच्छे से सिक्योर करनी है जिससे हमारा फ्लावर का लुक आ जाए। और फिर हमने इसमें अच्छे से स्टिच कर देनी है जिससे फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब हमने इसमें, आप कुंदन फैब्रिक बटन या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मोती का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गोल्डन कलर का मोती यूज़ किया हुआ है और इस तरह से हमने स्टिच कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फ्लावर कितना सुंदर दिख रहा है और इस फ्लावर्स में हमने बो यूज़ करनी है। तो बो को बनाने के लिए हमने यहाँ पे इक्वल फैब्रिक कटिंग कर लिया है जिसका विड्थ और लेंथ इक्वल हो और इस तरह से हमने कटिंग करके फिर इस पे एक स्टिच कर देनी है। तो चलिए फिर हम स्टिच कर लेते हैं।
सकते हैं मैंने ये स्टिचिंग कंप्लीट कर लिया है बो का स्टिच, और यहाँ पे हमने बीचों बीच एक पार्ट पे हमने कट का निशान लगानी है, और इस तरह से हमने कट का निशान कर देनी है, और फिर इसी में से हमने पूरे फैब्रिक को इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है राइट साइड की तरफ, तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है। और फिर अच्छे से हमने कॉर्नर को फिर निकाल लेनी है, चारों जो कॉर्नर है उसको अच्छे से हमने निकाल लेनी है कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चारों कॉर्नर को बहुत अच्छे से ही निकाल लिया हुआ है, और यहाँ से हमने एक सेंटर स्टिच कर देना है, और सुई से हमने यहाँ पे स्टिच कर रहे हैं, और इस तरह से हमने स्टिच करनी है, और फिर हमने धागे को कुछ इस तरह से खींच लेना है, फिर इसमें इस तरह से हमने बांध देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर सा बो का लुक आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने फ्लावर अटैच करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर सा लुक आया है, और यहाँ पे हमने अटैच करनी है इस फ्लावर को। तो चलिए फिर हम अटैच कर लेते हैं, और ये बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे ये नेक रेडी हो चुका है। अब हमने साइड से इसकी स्टिच करनी है, तो साइड से हमने भी यहाँ पे प्लेट्स लगा लेनी है, दोनों साइड ही हमने प्लेट्स लगानी है, तो कुछ इस तरह से हमने प्लेट्स को लगा लेनी है। और फिर हमने बॉटम फोल्ड करना है, तो हमने 1.5 इंच की ये पट्टी कट करके रख लिया है, और फिर हमने इस तरह से बॉटम फोल्ड कर देना है। तो चलिए फिर हम बॉटम फोल्ड कर लेते हैं, और फिर इसका फाइनली लुक हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर सा एनेक मैंने डिजाइन किया हुआ है, और यहाँ पे आप डोरी यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।